आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले इसे हमें पता होना चाहिए कि इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। क्यों कहते हैं एसिंक्रोनस मोटर? क्योंकि इंडक्शन मोटर जो है ना, वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करती। मतलब NR नेवर इक्वल टू NS, मतलब रोटर की जो स्पीड है इंडक्शन मोटर में, रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं होता। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? NS बराबर से 120 F/P। F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और P इज़ द नंबर ऑफ पोल। तो कभी भी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती, इसलिए हम इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ये जनरली पूछा जाता है। और इसके बारे में बताऊँ मैं आपको, इंडक्शन मोटर एक सिंगली एक्साइटेड AC मशीन है। सिंगली एक्साइटेड मतलब यहाँ पे सिर्फ हम स्टेटर पे सप्लाई देते हैं और रोटर स्टेटर से सप्लाई रिसीव करता है। तो सिंगली एक्साइटेड का मतलब है यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, मतलब हम सिर्फ स्टेटर को सप्लाई दे रहे हैं, एक पार्ट पे सप्लाई दे रहे हैं, दूसरा पार्ट जो है वो पहले पार्ट से सप्लाई रिसीव करता है। सेकेंड पॉइंट है, इंडक्शन मोटर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इसका मतलब ये है, अभी जैसे मैंने बताया कि इंडक्शन मोटर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेटर पे हम सप्लाई देते हैं, अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो सिंगल फेज सप्लाई देंगे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो थ्री फेज सप्लाई देंगे। तो हमने स्टेटर पे सप्लाई दी और रोटर क्या करेगा, स्टेटर से सप्लाई को रिसीव करेगा बाय मीन्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जैसा कि हम ट्रांसफार्मर में भी पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसलिए ही इंडक्शन मोटर को हम जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो ये ज़रूर पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो आपको वहाँ पर बताना है कि इंडक्शन मोटर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करती है। थर्ड पॉइंट है इंडक्शन मोटर के टाइप। ये तो हमें पता ही है कि अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और थ्री फेज सप्लाई है तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होगी। पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रोटर की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंडक्शन मोटर दो तरह की होती है, एक होती है स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज और थ्री फेज बोथ आर फर्दर डिवाइडेड इंटू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का दूसरा नाम है वाउंड इंडक्शन मोटर। ये इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे पता चले हमें स्क्वायरल कौन सी है, स्लिप रिंग कौन सी है, कौन सी ज़्यादा बेटर है? तो यहाँ पर देखो, एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन मैंने शो कर रखी है। जैसे ये कोई सिलेंड्रिकल मोटर है, यहाँ पर ये जो है ये रोटर कंडक्टर्स हैं और ये है हमारा शाफ्ट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रोटर कंडक्टर जो हैं वो पैरेलल है टू द शाफ्ट, और यहाँ दिख रहा है कि रोटर कंडक्टर जो हैं नॉट पैरेलल टू द शाफ्ट। तो जहाँ पे नॉट पैरेलल हैं वो तो होती है आपकी स्क्वायरल केज, और जहाँ पे पैरेलल है टू द शाफ्ट वो होती है आपकी स्लिप रिंग कह दो या वाउंड राउंड इंडक्शन मोटर। बस ये ध्यान रखना कि जहाँ पे रोटर कंडक्टर्स नॉट पैरेलल टू द शाफ्ट है, मतलब कुछ एंगल पे है इस तरह से, तो उसे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है वहाँ पे रोटर कंडक्टर्स पैरेलल टू द शाफ्ट होते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, और स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, मतलब हाई होता है। और इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम है तो इसका पावर फैक्टर भी लो है, मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क लो, पावर फैक्टर लो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये तो हमने बता ही दिया कि रोटर कंडक्टर नॉट पैरेलल टू द शाफ्ट। और स्लिप रिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा होता है, पावर फैक्टर भी अच्छा होता है, और इसके यूजेस भी ज़्यादा हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के, जैसे होस्टिंग एंड लॉवरिंग द क्रेन्स है, या जॉ क्रशर है, या बेल्ट कन्वेयर में इसके यूजेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ना, इसकी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ये ज़रूर पूछा जाता है। और ये जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है ना, इसकी स्पीड कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। ये मतलब
कांस्टेंट स्पीड पे रन करती है। तो यहाँ पे हम अडोप्ट नहीं कर सकते ज़्यादा मेथड्स को, यहाँ पे हम स्पीड कंट्रोल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो रोटर कंडक्टर्स होते हैं ना वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं दोनों साइडों से एंड रिंग के थ्रू। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि ये नॉट पैरेलल है तो ये स्क्वायरल केज की होगी, तो यहाँ पे दोनों साइडों पे रोटर कंडक्टर्स जो हैं वो एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होंगे। तो जब रोटर कंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गए तो हम रोटर रेजिस्टेंस ऐड ही नहीं कर सकते और कुछ। तो जब रोटर रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकेंगे तो स्पीड कंट्रोल का भी कोई तरीका नहीं है हमारे पास, जबकि स्लिप रिंग में हम स्पीड कंट्रोल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस थे स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग के। एक तो स्टार्टिंग टॉर्क लो, पावर फैक्टर लो स्क्वायरल केज का, और कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रही है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा है, पावर फैक्टर भी अच्छा है इसका, और हम इसमें स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये तो थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इंडक्शन मोटर्स के टाइप के। फिर इसके बाद है पूछा जाता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज है इंडक्शन मोटर, तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स वो जीरो होता है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। तो रिजल्टेंट वैल्यू जीरो तो कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो हमें यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसमें रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है, ये सिंगल फेज में तो जीरो और थ्री फेज में रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्लक्स के 3/2 टाइम्स आती है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स है, और रिजल्टेंट फ्लक्स है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तो मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिफरेंस है, ये ज़रूर पूछा जाता है कि सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स में कौन सी मोटर होती है जो सेल्फ स्टार्ट होती है। तो आपको आंसर देना है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है और यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। फिर नेक्स्ट सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं वो होता है स्लिप। स्लिप पूछा जाता है, स्लिप क्या होता है? स्लिप होती है रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड टू द सिंक्रोनस स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि जो इंडक्शन मोटर है ना वो एसिंक्रोनस मोटर है। एसिंक्रोनस क्यों कहा है हमने? क्योंकि NR इज नेवर इक्वल टू NS, कि रोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल नहीं है। तो वो कितनी है, कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, तो वो जो डिफरेंस है रिलेटिव डिफरेंस वही स्लिप कहलाता है। तो स्लिप होता है NS - NR/NS। NS यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड है, इसे कहते हैं 120 f/p। f का मतलब फ्रिक्वेंसी और p का मतलब नंबर ऑफ पोल, और NR तो है रोटर स्पीड अपनी। अब जैसे कोई न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल में बोला कि स्लिप की वैल्यू है 5% इंडक्शन मोटर के लिए, 5% स्लिप की वैल्यू दे रखी है, और इंडक्शन मोटर में जो नंबर ऑफ पोल्स हैं स्टेटर के दे दिए कि नंबर ऑफ पोल्स 5 हैं, और रोटर के नंबर ऑफ पोल दे दिए आपको 4। फिर वो पूछ रहा है कि NR की वैल्यू फाइंड करो रोटर की स्पीड इंडक्शन मोटर की। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देनी है कि दोनों के पोल इक्वल होने चाहिए, स्टेटर के पोल और रोटर के पोल। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं NR बराबर से 0। अगर दोनों के इक्वल होते, मान लो ये लिख रहे होते कि दोनों के पोल जो हैं 5 हैं, ठीक है, तब आप निकाल सकते थे यहाँ पे फॉर्मूला, S की वैल्यू 5% तो 0.05 हो गई, और NS है वो होता है 120, F 50 हर्ट्ज दे रखी है, और P नंबर ऑफ पोल 5 दे रखे हैं, माइनस NR हमें निकालनी है, और 120 × 50/5। तो ये हम सॉल्व करके NR की वैल्यू यहाँ पे हमारी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, कि ये पूछता है कि इंडक्शन मोटर के वर्किंग जो मोड्स हैं वो 3 होते हैं, जैसे मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड, ब्रेकिंग मोड। ये मोड्स ना हम टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक में भी देखेंगे आगे। तो इस मोड में पूछा जाता है कि स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, तो हाँ
जनरेटिंग मोड में कितनी होती है, ब्रेकिंग मोड में कितनी होती है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। स्लिप की वैल्यू मोटरिंग मोड में 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, तो 0 से 1 के बीच में। जनरेटिंग मोड में स्लिप की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होती है और ब्रेकिंग मोड में 1 से 2 के बीच में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो मोटरिंग मोड में कितनी है, जनरेटिंग में कितनी होती है और ब्रेकिंग में, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक। टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, देखिए इस तरह से, क्योंकि 3 मोड है तो तीनों मोड की टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक बना रखी है। ये एक्सेस हमारी टॉर्क की है और ये जो एक्स एक्सेस है हमारी ये स्लिप को बता रही है। स्लिप तो हमारी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और जो स्पीड है हमारी, मतलब रोटर की स्पीड, वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ये एक्स एक्सेस पे तो ये हो गई और वाई एक्सेस जो है वो हमारी टॉर्क की है। तो यहाँ पे 3 रीज़न बना रहे हैं, ब्रेकिंग, मोटरिंग एंड जनरेटिंग। तो देखिए मोटरिंग मोड में टॉर्क का कर्व कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे अब हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था हमारा, स्लिप क्या होती है, ns माइनस nr अपॉन ns, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे अगर हम ये देखना भी चाहें कि nr अगर अपना 0 है तो स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, अगर nr 0 तो स्लिप की वैल्यू सीधी सीधी सी दिख रही है हमें यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। जब nr की वैल्यू ns है तो भी हमें दिख रहा है स्लिप की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब nr की वैल्यू 2ns है तो स्लिप की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और जब nr की वैल्यू माइनस में है तो स्लिप की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये इस फॉर्मूले से सीधा सीधा सा हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख सकते हैं। और करेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो हमारा इस तरह से आता है, मतलब जब स्लिप की वैल्यू, रोटर की स्पीड 0 है, मतलब 0 का मतलब क्या हुआ, रोटर अभी स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब रन नहीं कर रहा, तो उस टाइम स्लिप की वैल्यू 1 है तो टॉर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है स्टार्टिंग टॉर्क। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, सेल्फ स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ टॉर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से कर्व आता है। इस कर्व की शेप जो है वो पूछी जाती है पेपर में, कैसी होती है, वो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि लो स्लिप रीजन में टॉर्क किस तरह से स्लिप के साथ वेरी हो रहा है, तो वो हमें बताना पड़ेगा कि लो स्लिप रीजन, मतलब जैसे मोटरिंग मोड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 0 से 1 है स्लिप, तो यहाँ पर जैसे ये अपना जो है ये लो स्लिप रीजन है, उसके बाद ये मीडियम स्लिप रीजन हुआ, फिर ये हाई स्लिप हो गया। तो लो स्लिप में देख रहे हो आपका कर्व कैसा है, ये स्ट्रेट है, तो हम कह सकते हैं टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एस। और मीडियम स्लिप में हम कह सकते हैं ये इन्वर्स में जा रहा है, तो टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये टॉर्क स्लिप का। इसके बाद इक्वेशंस पूछी जाती है, तो ये मैंने सॉल्व कर रखी है यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन, वो आप देख सकते हो 3/ω इस I2² R2/S। यहाँ पे I2 की इक्वेशन भी पुट कर दी है और इसको सॉल्व कर दिया है। फिर ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ये ध्यान रखना मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, जब R2 = SX2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है क्या कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम रख दी हमने SM और T = TM, मतलब मैक्सिमम टॉर्क। तो ये ड्राइव कर रखा है मैंने फार्मूला, और यहाँ पर ये देख सकते हो ये फाइनल फार्मूला बन गया है। यहाँ पर TM जो है मैक्सिमम टॉर्क, उसकी इक्वेशन में R2 नहीं आ रहा, तो ये पूछा जाता है कि क्या मैक्सिमम टॉर्क रेजिस्टेंस R2 पे डिपेंड करता है या नहीं, तो नहीं करता, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। तो ये मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला है। ये हमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे इंडक्शन मोटर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम DC मोटर्स के पढ़ेंगे।